नमस्कार भाई और बहनों। भाई और बहनों, जब हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क काम नहीं करती है और आपने कभी भी देखा होगा उसमें डिस्प्ले नहीं आता, या तो आता है मैसेज बूट फेलर, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हार्ड डिस्क को बाहर निकालते हैं कंप्यूटर से। इसके बाद इसको उल्टा करके रखेंगे, साथ में एक पेचकस लेंगे। फिर हमने क्या करना है, इसके जो भी नेट हैं इनको निकालना है। हाउ टू रिपेयर योर हार्ड डिस्क, कंप्यूटर हार्ड डिस्क, डेस्कटॉप हार्ड डिस्क, लैपटॉप हार्ड डिस्क, सेम सेटअप। तो इसके लिए क्या करना है, इसके बाद आपने इसको खोलना है। खोल कर इसको, ये एक अल्कोहल होता है, इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इससे हम इसको साफ़ करते हैं। साथ में बुरश से इसके ऊपर चारों तरफ मारना है। तो जैसे अभी मैं बताता हूँ, इसके वजह से ये देखो इसके अंदर लिक्विड होता है, हमने क्या किया इसके ऊपर फेंक दिया। अब हमने इसको साफ़ करना है, इसको कार्ड को खोलना है, प्लस इसको चारों तरफ लगा कर इसको साफ़ करना होता है। जब साफ़ करते हैं उसके बाद आपने इन नेट को फिर से लगाना है। उससे क्या होता है, लगाने के बाद ये हार्ड डिस्क की बार क्या होता है कि इसके अंदर डस्ट आ जाती है या मॉइस्चर आ जाता है, इसलिए काम करना बंद कर देती है। जगह आपकी हार्ड डिस्क के अंदर मॉइस्चर आ गया है तो आप इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं, चाहे वो लैपटॉप की हार्ड डिस्क हो चाहे डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क हो। ऐसे आप उसको बिना किसी मैकेनिक के पास गए उसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।